मेडिकल टेस्ट में आपके क्या क्या टेस्ट होंगे? उसमें होगा आपका एक तो यूएसजी टेस्ट होगा, ईसीजी टेस्ट होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर ईटीओ गाइडेंस सीरीज। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम पैटर्न ऑफ ईटीओ फॉर ईएसएम। ईटीओ का ईएसएम के लिए आपका जो एग्जाम पैटर्न होगा गाइज, वो 3 स्टेजेस में होगा। फर्स्ट स्टेज होगी आपकी एंट्रेंस एग्जाम, विच इज कंडक्टेड ऑनलाइन फ्रॉम होम, ठीक है। उसके बाद जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लोगे तो आपका नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओगे, जो कि है आपकी इंटरव्यू, सेकंड स्टेज। तो इंटरव्यू आपका कंडक्टेड ऑफलाइन, नीड टू विजिट सेंटर ऑफर्ड बाय ईएसएम इन पार्टिकुलर डेट एंड टाइम। एंड उसके बाद जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लोगे गाइस, फिर नेक्स्ट स्टेज पे आप आ जाते हो, जो कि है आपकी मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट कंडक्टेड बाय डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर, कंपनी विल गिव यू द डिटेल्स, यानी कि कंपनी आपको डिटेल्स देगी कि कहाँ कौन से सेंटर से जाकर के आपको मेडिकल कराना है। तो उसके बाद फिर डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से आप उसी सेंटर में जाकर के अपना मेडिकल करवा सकते हो। अब आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, जो कि है आपका एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम में आपका बच्चों के क्वेश्चंस रहते हैं, कितने नंबर का होगा, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम ले आए हैं आपके लिए ये एग्जाम पैटर्न ईएसएम के लिए। सो एंट्रेंस एग्जाम में आपके होंगे 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉपिक्स। आपकी जो टेक्निकली पार्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, उससे आपके 30 क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। एंड 26 क्वेश्चंस फ्रॉम लॉजिक एंड इंग्लिश। 26 क्वेश्चन गाइज आपके लॉजिक और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। टोटल आपके जो होंगे 56 क्वेश्चंस होंगे। एंड आपका जो टाइम ड्यूरेशन होगा एंट्रेंस एग्जाम का, वो गाइज होगा 75 मिनट्स का। मैक्सिमम 100 मार्क्स का आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसमें आपकी जो नोट करने वाली चीज़ है गाइज, वो है कि नो नेगेटिव मार्किंग है इस एंट्रेंस एग्जाम में। आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो गाइज आपको सारे के सारे क्वेश्चंस 56 के 56 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, जो कि है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में फर्स्ट आपका होगा नॉन टेक्निकल इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो कि हर इंटरव्यूज में होता है। देन उसके बाद आते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस, कि टेक्निकल में आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड इसके अलावा जो फाइनल ईयर का गाइस आपका प्रोजेक्ट था, उससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर सीवी, रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सीवी को अपने साथ में कैरी करके लेकर के जाना है। इसमें आपकी जो नोट करने वाली चीज रहेगी, नीड टू विजिट इंटरव्यू सेंटर ऑन पार्टिकुलर डेट टाइम इन फॉर्मल यूनिफॉर्म, यानी जो कि डेट और टाइम आपको ईएसएम की साइड से दिया गया होगा, उसी टाइम और डेट पे आपको इंटरव्यू के लिए सेंटर पे जाना है और फॉर्मल यूनिफॉर्म एंड क्लीन सेव के साथ गाइज आपको जाना है। अब आते हैं लेट्स मूव नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में आपके क्या क्या टेस्ट होंगे? उसमें होगा आपका एक तो यूएसजी टेस्ट होगा, ईसीजी टेस्ट होगा, चेस्ट एक्सरे होगा आपका, ब्लड टेस्ट होगा गाइज, यूरिन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, डेंटल चेकअप होगा आपका, और आई टेस्ट में आपका डिस्टेंस विजन और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होगा। इसमें आपकी जो नोट करने वाली चीज़ है, नीड टू विजिट द मेडिकल सेंटर प्रेफर्ड बाय कंपनी, आपको उसी मेडिकल सेंटर में जाकर के अपना मेडिकल टेस्ट कराना है जो कि आपको कंपनी प्रेफर्ड करेगी। Thank you for watching this video. Hi guys, if you have found the video really informative, then please like the video, share it with your friends, ताकि वो भी जान सके. And do not forget to subscribe the channel Merchant Navy Decoded, because यही आपका सारा है. Apart from this guys, if you've got any query about joining Merchant Navy, if you're a professional, you really want to do good in life in this career, then please do not forget to log into our website, that is www.merchantnavydecoded.com. क्योंकि सारे आंसर्स वहीं मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।